हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास विंडोज़ पीसी में ब्लूटूथ का ये एरर आ रहा है तो इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और इस वीडियो में आपको दो मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप ये प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, इस तरीके से आपके पास यहां पर एरर आ रहा है रिमूव्ड फील्ड। आप जो भी डिवाइस कनेक्ट किए हैं ब्लूटूथ से आपके पीसी में, वो रिमूव नहीं हो रहा है तो उस डिवाइस को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड, आपको स्टार्ट मेनू के ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद सेटिंग पर क्लिक कर देना है, विंडोज 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, फिर आपको यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है ब्लूटूथ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ब्लूटूथ यहाँ पर शो हो रहा है, तो आप जो है इसको यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स। तो ये प्रोसेस कम्प्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके गाइस, तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है, फिर आपको सेटिंग को भी क्लोज कर देना है। सेकंड मेथड, आपको जो है स्टार्ट मेनू के ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर आपको यहां पर डिवाइस मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है, डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्लूटूथ का ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आप इसको डबल क्लिक कर एक्सटेंड कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर जो डिवाइस आपके पास रिमूव नहीं हो रहा है तो आपको उसको यहाँ पर फाइंड आउट करना है इन लिस्ट में। अगर इन लिस्ट में आपके पास वो डिवाइस शो नहीं हो रहा है तो आपको जो है यहाँ पर वीव के ऊपर क्लिक कर आपको यहाँ पर शो हिडन डिवाइस के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको जो है यहाँ पर आपके ऑल ब्लूटूथ डिवाइस जो है यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आप जिस डिवाइस को भी रिमूव करना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर अनइंस्टॉल डिवाइस के ऊपर क्लिक कर उस डिवाइस को अनइंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आप जो है इस सेटिंग को क्लोज कीजिए। उसके बाद आप अपने पीसी या लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली ब्लूटूथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं विंडोज पीसी में से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।